दोस्तों, देश में मीडिया का एक बेहद अहम रोल है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर बात मीडिया की जाए तो कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। लेकिन क्या हो अगर इस चौथे स्तंभ को गिराने के लिए कुछ लोग साजिशें रचने लगे, और ऐसी एक साजिश का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तानी मीडिया। आपको बताएं कि हमें कुछ दिनों पहले, यानी कि आज से 2 दिनों पहले एक नोटिस आई, और उस नोटिस में हमें एक लीगल नोटिस के तौर पर 5 करोड़ रुपये का डिफेमेशन केस करने की बात कही गई, यानी कि 5 करोड़ रुपये। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मीडिया कर्मी के लिए ये कितनी चिंताजनक बात हो सकती है कि आपको, आपके ऊपर किसी नेता के द्वारा या किसी शख्सियत के द्वारा या किसी पार्टी विशेष के द्वारा आपके ऊपर ये केस कर दिया जाए कि आपके ऊपर हम डिफेमेशन केस करते हैं, ताकि आपने हमारी जो भूमिका है और हमारी जो व्यक्तित्व है उसको ठेस पहुँचाने का काम किया है। हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, नाम उनका नाज़िया इलाही खान है, उन्होंने एक अपनी बात रखी थी और उसी बात को लेकर के हमने अपनी बात रखी थी, जिस आज़ादी के तहत, कहा जा सकता है कि जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उन्होंने अपनी बात रखी, उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत हमने भी अपनी बात रखी। लेकिन शायद उन्हें उनकी बात बुरी नहीं लगी, हमारी बात उन्हें ज़्यादा बुरी लगने लगी है। अगर कोई इंसान बोलता है तो ज़रूरी यह है कि उन्हें सुनना भी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के आज हमारे साथ हमारे वकील हैं, नाम इनका प्रकाश मणि झा है। आप तमाम लोग इन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे। हिंदुस्तान की और बिहार की बात करें, बिहार के कई सारे बड़े बड़े मामलात में इन्होंने वकालत की है, और हमने इसी वजह से हम अपनी वकालत के लिए आज अपने साथ प्रकाश मणि झा से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में इनका क्या ख्याल है, हमारे देश की डेमोक्रेसी और ख़ास करके हमारे देश का जो संविधान है वो इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहता है। ये मामला सिर्फ हमारा नहीं है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और इस मुल्क में YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर, Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिग्गज पत्रकार हैं जिन्होंने मीडिया के फील्ड में लंबा अरसा गुजारा, कहा जा सकता है कि दशकों गुजार दिए उन्होंने, बाद में YouTube चैनल के तहत लोगों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। लेकिन क्या उन जैसे तमाम लोगों के ऊपर ये एक हमला नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिफेमेशन केस कर देते हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हिंदुस्तानी मीडिया के दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। और अभी संज्ञान में आया है कि नाज़िया इलाही खान के द्वारा हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर में 5 करोड़ का डिफेमेशन का एक नोटिस भेजा गया है, और ये उसमें एक स्पष्ट रूप से धमकी भी दी गई है कि अगर ये अपनी आवाज़ को प्रखरता से इस तरह से ही अगर जनता के सामने में रखेंगे तो इनको क्रिमिनल ऑफेंस में भी, जो आपराधिक मुकदमे होते हैं उसमें भी घसीटने की धमकी दी गई है, जिस वजह से मुझे इंटरवीन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। सबसे बड़ी बात कि भारत का संविधान आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने की, डिग्निटी के साथ जीने की जिस तरह से गारंटी देता है और किसी की मान सम्मान मर्यादा की रक्षा करता है, उसी हिसाब किताब से संविधान में आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी जो भी अभिव्यक्ति है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों के सामने में रख सकते हैं। ये नाज़िया इलाही खान की जिस वीडियो पे इन्होंने अपना प्रस्तुति दिया था, उसकी विवरणी, उसकी जो खाका और उसका जो उनका कथन था उसको लोगों के सामने में रखा था, उसी हिसाब किताब से अगर देखा जाए तो भारत में हर एक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, और उसी का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने हिसाब से इस्लामिक पद्धति जो है उससे भी अपना, अपनी ज़िंदगी में उस पद्धति को अपनाया, बाद में धार्मिक स्वतंत्रता की जो आज़ादी है वो मंदिर भी गई, वो कहीं भी जा सकती हैं, और उन्होंने जो भी बात कही उसको अभिव्यक्त भी कर सकती हैं। अब अगर इन चीज़ों को वो अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके देखती हैं तो उनके ऊपर में कोई व्यक्ति विशेष या कोई मीडियाकर्मी ही अगर एलोबरेट करता उस घटनाक्रम को, वो जनता से राय मांगता है कि आपका क्या कहना है, तो उन्हें ये नहीं लगा कि अगर ये डिफेमेशन नोटिस जो किया जाए, जो डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 499 में, और उसकी सज़ा डिफाइन की गई है आईपीसी सेक्शन 500 में, और अभी जो कई सारे मसले आए हैं उसमें इस बात पे भी गौर किया गया है कि क्यों नहीं 499 और 500 जो सिविल टॉट के अंतर्गत आता है, क्यों नहीं इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मैं याद दिलाना चाहूँगा श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, तो मीडिया के थ्रू पत्रकार बंधु जो कोई भी खबर चलाते थे या
जो इंटरनेट पर आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कोई भी व्यूज रखा जाता था तो उस पर पाबंदी लगाने की एक चेष्टा की गई थी, जिसमें 67 जो आईटी एक्ट है 67A उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डिमोलिश कर दिया हुआ था, स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया हुआ था और कहा था कि नहीं भाई इस तरह का आप काम नहीं कर सकते हैं सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। अच्छा, और आज के जो ये आप न्यूज़ जिसको कवर किया गया था हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो उन्होंने अपनी पूजा पत्ती, अपनी दिनचर्या या वो जो प्रकरण जो अपनाना चाह रही हैं, जो अपना रही हैं दैनिक जीवन में जिस चीज़ को अपनाने की वो बात कर रही हैं वो उनकी अभिव्यक्ति थी, और उस पूरे प्रकरण की व्याख्या करना कि क्योंकि वो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही थी या कहीं ना कहीं वो बताना चाह रही थी इन लोगों को इस पद्धति से भी चलना चाहिए, तो हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा इतना खंडन नहीं किया गया ना उनके ऊपर में कोई डेरोगेटरी या डिफेमेटरी वर्ड का प्रयोग किया गया। बताया गया कि जो इस्लाम कहता है अगर उस पद्धति से कोई चले तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य होगा, और अगर कोई हिंदुइज्म को मानने वाला है, सनातन को मानने वाला है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर वो अपनी दिनचर्या को जारी रखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उनका एक स्पष्ट मत था, वीडियो देखने से स्पष्ट मत लग रहा था कि अगर आप जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आपको इस्लाम के हिसाब से चलना होगा, बिल्कुल, और अगर आप अपने आप को हिंदू या सनातनी कहते हैं तो आपको सनातनी पूजा पद्धति से चलना पड़ेगा। आप लोगों को बरगलाने के लिए या माइलेज या फुटेज लेने मात्र के लिए सिर्फ ये नहीं दिखा सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो मैं इस्लामिक नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करूंगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सनातन के नॉर्म्स को फॉलो करेंगी, तो वो दोहरा चरित्र को जो उजागर किया गया हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा तो उनको डराने का एकमात्र प्रयास है। और जैसे आर्टिकल 19 के तहत बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनका है, वैसा ही अधिकार हिंदुस्तानी मीडिया के पत्रकार को है और किसी भी मीडिया हाउस को है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने एक छोटे से प्रकरण में 5 करोड़ का डिफेमेटरी नोटिस भेज दिया, ये किसी के लिए भी घबरा देने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन अगर भारत में जितने भी मुस्लिम हैं वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अगर उनके ऊपर में इस तरह की कार्रवाई, एक नोटिस या उन पर कोई आपराधिक सूट ला दें तो एक बहुत बड़ा माहौल हो जाएगा और उनके लिए भी बहुत चिंता की बात हो जाएगी। तो मैं एक ही सुझाव देना चाहूँगा कि जिस अधिकारों का प्रयोग करके आप अपनी बातों को रखते हैं, आप अपनी पूजा पद्धति चुनते हैं, उतनी ही स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को है, और आप अपने अधिकारों का उपयोग करते वक्त ये हमेशा सचेत रहें कि भारत का हर एक व्यक्ति को बराबर अधिकार मिला हुआ है और उसी हिसाब से उसी अधिकार और उसी कर्तव्य से बंधकर वो अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर आपने नोटिस पढ़ा हो तो उस नोटिस में एक बात रखी गई, जहाँ तक उनका अपना एक कह सकता है कि बयान था कि वो ये नहीं कह रही हैं कि आपने मुझे डिफेम किया है इस वजह से मैं आपके ऊपर जो है अब वो लीगल नोटिस भेज रही हूँ। उनका एक बड़ा पॉइंट था, वो ये था कि आपने मेरे शरीर पर मेरे बदन के बैक पर आपने अल्लाह का नाम लिखा, प्रॉफिट का नाम लिखा। अब आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ से कैसे किसी के शरीर पर लिख सकता हूँ, पहली पॉइंट तो ये है। और चूंकि ये स्क्रीन है, अब मान लेते हैं ये स्क्रीन है, अब इस स्क्रीन पर तो मैं जो चाहूँ वो लिख दूँ, है ना, यहाँ पर अगर मेरी मर्जी हो तो मैं कुछ भी लिखूँ, बिल्कुल, है ना। अब बता रहा हूँ हीट ऑफ द मोमेंट है, कोई भी बात चल रही, बिल्कुल, बताते बताते मैंने कोई बात यहाँ पर लिया और मैंने बता दिया कि भैया ये बात है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रकाश मणि, है ना, या फिर कुछ भी लिख दिया, बिल्कुल, क्या इसके लिख देने की वजह से, और इत्तफाक था कि नाजिया जी की तस्वीर लगी हुई थी उस वक्त और मुझे बताते बताते मैंने ये बता दिया कि भैया हाँ नाजिया जी को मैंने देखा नहीं, मैंने लिखा कि अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद को आप बराबर नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये भगवान हैं, ये एक दूत हैं, एक तरह से ये मैसेंजर हैं, बिल्कुल, तो हम उनको एक तरह से नहीं मान सकते हैं, तो क्या इसके बता देने की बिना पर, और उनका कहना था कि हम वहाँ पे झुके हुए हैं और आपने मेरे बैक पर लिख दिया, क्या ये किसी भी तरीके से सही लगता है आपको, क्या लगता है ये जो नोटिस उनके द्वारा भेजा गया है वो एक हरीड मैनर में, एक तेजी में, एक माइलेज लेने का और एक पॉलिटिकल जब किन्हीं की जर्नी होती है तो उसमें उनके लिए
खबरों में बने रहना, सुर्खियों में बने रहना और कुछ ऐसा करना जिससे जनता का ध्यान आकृष्ट हो, एक माइलेज लेने का हथकंडा मात्र है। और ये बड़े ही त्वरित बिना सोचे समझा एक नोटिस इनके द्वारा भेज दिया गया, क्योंकि जब भी आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं किसी चीज़ को रखने के लिए, ईज ऑफ लाइफ के लिए ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम समझाने के लिए किसी भी चीज़ को अगर रखते हैं तो उसको आप वस्तुतः फिजिकल वे में नहीं ले सकते हैं। हमने कभी भी इस अंदाज में हमने देखा है कि जो हिंदुस्तानी मीडिया के जो बंधु हैं उन्होंने कभी भी इस अंदाज में नहीं रखा है जिससे उनके ऊपर में कोई आक्षेप आए या उनके ऊपर में किसी भी तरीके की बात हो या उनसे उनका आर्थिक या जो सामाजिक प्रतिष्ठा पे कोई नुकसान पहुंचे। ये तो एक बताने की मंशा थी कि इस्लाम में अल्लाह की क्या मान्यता है, इस्लाम में प्रॉफिट साहब की क्या मान्यता है, सनातन में प्रभु श्री राम की क्या मान्यता है, और हर लोग हर धर्म के पूर्ण रूप से जानकार नहीं हो सकते हैं। तो अपनी अपनी विवेचना करने की जो शैली है उस शैली में आपके द्वारा बताया गया, और उस बताने के दरमियान जो एक वर्ड है ग्लो विथ फ्लो, कि अगर चल रहा है तो लोग उसी में चल जाता है, वो हिट ऑफ मोमेंट आप कहते हैं, बस कर गुजरना कहते हैं। तो समझाने के लिए अगर ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया कि अच्छे से अच्छे तरीके के लोगों को समझ में आए, तो ये कहीं से भी डेरोगेटरी डिफेमेटरी नहीं है। और उनके द्वारा ये कृत्य सिर्फ और सिर्फ जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको दबाने का एक कुत्सित प्रयास मात्र है। और जो भी जवाब होगा या जो भी उसमें जो विधिक कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ प्रकाश मनीष हाजी थे, और हम आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि क्या कुछ नोटिस थे। और चूंकि ये ज़रूरी है कि आप तमाम लोगों को वो नोटिस भी दिखा दिया जाए, ऊपर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, शायद आप लोग चौंक गए होंगे, तो एक टिकटॉकर की है। और ये आप देखें, मेरे पास एक नोटिस है जो आप देख सकते हैं, टू द एडिटर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तानी मीडिया यूट्यूब चैनल। और यहाँ साफ साफ ये बात कही गई है कि नोटिस ऑफ डिफेमेशन ऑफ माय क्लाइंट अमाउंटिंग टू रुपीज, बाकी आप लोग इसे काउंट कर लीजिएगा जीरो को, रुपीज 5 crore ओनली। माय क्लाइंट नाजिया इलाही खान वर्किंग फॉर अ गेन एट 191 सीआर एवेन्यू गिरीश पार्क कोलकाता। और इन्होंने एक अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एक जो नोटिस है डिफेमेशन का वो हमें भेजा है। तो इसी के बारे में हमने अभी वकील साहब से चर्चा की है। ये सिर्फ हमारा मामला नहीं था, ये हिंदुस्तान के उन तमाम कंटेंट क्रिएटरों का मामला है जो यकीनन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, अपनी एक राय रखते हैं उस आज़ादी के तहत जो हमें और आप तमाम लोगों को देश के संविधान ने दिया है। शायद नाजिया इलाही खान साहब मैडम अगर हमारी इस वीडियो को देखेंगी तो मैं उनसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियोज़ को देखा हो तो आपने इतना तो ज़रूर देखा होगा कि आज तक मैंने किसी महिला के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपकी और दुनिया के तमाम लोगों की सोच क्या है उस पर चर्चा करता हूँ, और इसके लिए तमाम लोगों को आज़ादी है। हम किसी भी तरह से, एक तो हम खुद बात कर रहे हैं कि आप जिस तरह की बातें कर रही हैं क्या आप उस पर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो क्या हम वही काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। और रही बात किसी के शरीर पर कोई नाम लिख देना, ये तो बेहद बेहुदा हरकत है अगर कोई करता हो, और पता नहीं कौन करता है, और स्क्रीन पर रख करके तो कोई कर भी नहीं सकता है। यहाँ पर तो हम कोई भी चीज़ जानकारी ही दे सकते हैं। मान लीजिए वकील साहब हैं, वकील साहब के बदन पर हम कैसे लिख दें, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन खैर, कहते हैं कि कुछ लोगों को बात बुरी लग जाती है, अगर बुरी लगी है तो ये सोचने का विषय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात जो है अब बुरी लगने वाली बात है। लेकिन फिर भी हम इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ इसका लीगल टर्म्स बनता है, जो कुछ लीगली किया जा सकता है, वो हम अपने वकील के थ्रू इस पूरे मामले पर करेंगे। बाकी आप तमाम लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि स्वतंत्र जो मीडिया है, जो आज के दौर में कहा जा सकता है कि तमाम मीडिया एजेंसी से दूर अपने कमरे में बैठ करके, अपने कार्यालय में बैठ करके, कुछ लोग तो हैं खेत खलिहान में बैठ करके खबर बनाते हैं, अपनी राय रखते हैं, उन्हें मजबूत कीजिए, उन्हें इस तरह से परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वकील साहब होंगे, उनके वकील साहब होंगे, आगे जा करके कोर्ट में मामलात होंगे, मामलात चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप परेशान कर सकते हैं। 5 crore का आपने नोटिस भेजा है, जज साहब भी इस प्रकरण को देखेंगे और इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय रखेंगे, यही हो सकता है क्या वकील साहब, यही ना हो सकता है? बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा मामला है। बाकी आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हम फिर इन तमाम मामलों को लेकर के आगे अगर कोई बात रखनी होगी तो मैं खुद भी आप तमाम लोगों तक पहुंचूंगा, वकील साहब भी हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि आपको रूबरू करवाते रहें।
न सिर्फ इन मुद्दों पर बल्कि वो तमाम मुद्दे जो इस देश के लिए, आप तमाम आवाम के लिए, हिंदुस्तान की एक एक जनता के लिए ज़रूरी है, उसे लेकर आप तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।